नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अयोध्या में बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राम मंदिर में सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में गोली चली है, गोली कैसे लगी यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। सूचना पर IG SSP सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि आत्महत्या, हत्या या कोई हादसा भी हो सकता है। पुलिस ने शेप को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जवान अंबेडकर नगर का रहने वाला था। बुधवार की सुबह सुबह अचानक गोली चलने से श्री राम जन्मभूमि परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। जवान की मौत की खबर पहुंचते ही उनके घर में कोहराम मच गया है। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 25 साल के करीब थी। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे उसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां खून से लथपथ पाया तो आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से घायल जवान को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान की मौत की सूचना से राम मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है। अयोध्या के IG और SSP सहित पुलिस ने तमाम बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी वहां बुला लिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान के कुछ साथियों का कहना है कि वह पिछले दिनों से काफी परेशान चल रहा था। घटना से पहले वह मोबाइल देख रहा था। पुलिस ने शत्रुघ्न के मोबाइल को भी जांच के लिए भेज दिया है। शत्रुघ्न विश्वकर्मा को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF में 2019 में नौकरी मिली थी। अंबेडकर नगर के थाना समनपुरा के कचपुरा गांव का रहने वाला था। शत्रुघ्न राम मंदिर परिसर में तैनात था। SSF का गठन 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए किया था। शत्रुघ्न की मौत की खबर मिलने के बाद अंबेडकर नगर में उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि शत्रुघ्न अब इस दुनिया में नहीं है। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक और जवान को 9 महीने पहले गोली लगी थी। उस मामले में जवान की अपनी गलती से गोली चल गई थी। आपको बता दें कि इस बार अयोध्या के राम मंदिर में गोली चलने की खबर सामने आई है और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। इस घटना की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।